प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज एम्बुलेंस में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि चंद्रशेखर आजाद को घायल अवस्था में जब वो मौजूद थे तो ऐसे में आपको बता दें कि दलित समुदाय और बहुजन समाज एकजुट होकर आज भरतपुर के नुमाइश मैदान में उमड़ पड़ा। इतना भारी जन सैलाब, आजाद समाज पार्टी के द्वारा इतने सारे सामाजिक न्याय सम्मेलन करवाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आज राजस्थान के भरतपुर के अंदर उनके सामाजिक न्याय सम्मेलन में उमड़ी। चंद्रशेखर आजाद गोली लगने के बाद ये अपनी पहली जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही कि केवल मात्र मेरे गोली लगने का सवाल नहीं है, यहां पर बहुजन मीडिया के लोग हैं उनके ऊपर भी सवाल है, उनको भी मारने की धमकी दी जाती है, बहुजन समाज के कई लीडर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है जो आवाज उठाना चाहते हैं उन पर भी गोली चलाने की कोशिश की जा सकती है, तो ऐसे में हमें सुरक्षा देने वाला बनना है ना कि मांगने वाला। उन्होंने कहा कि सिर्फ अकेले चंद्रशेखर की सुरक्षा का सवाल नहीं है, हमें दलित पिछड़े आदिवासियों कि तमाम लोगों की सुरक्षा का सवाल है, वो अभी से तय करना होगा और अभी से हमारी भागीदारी तय करनी होगी, तभी जाकर हमें सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा मांगते रहेंगे, कितने लोगों की सुरक्षा मांगेंगे, एक व्यक्ति को हम सुरक्षा दिला पाएंगे, दो को दिला पाएंगे, लेकिन सभी समाज को सुरक्षा तभी मिलेगी जब हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी। तो यहां भी चंद्रशेखर आजाद खूब गरजे और चंद्रशेखर आजाद को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी खचाखच स्टेडियम है वो भरा।